खरसावां विधानसभा इलाके में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, बंद हो रहे अस्पतालों को खुलवाने और आमदा स्थित निर्माणाधीन 500 बेड अस्पताल के निर्माण में तेजी लाने की मांग के साथ भाजपा ने गुरुवार यानी आज पद यात्रा निकाली। आपको बता दें कि खरसावां के आमदा में निर्माणाधीन 500 बेड के अस्पताल का शिलान्यास 11 साल पहले हुआ था, लेकिन अब भी निर्माण पूरा नहीं हुआ है। बताया जाता है कि अस्पताल निर्माण के लिए 152 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। इसमें से करीब 102 करोड़ की निकासी हो चुकी है और अस्पताल करीब 60% ही पूरा हुआ है। निर्माणाधीन 500 बेड का अस्पताल अगर समय पर पूरा हो जाता तो कोल्हान को कोरोना महामारी से निपटने में भी काफी सहूलियत होती। ऐसे में इसी मांग को लेकर आज भाजपा ने पदयात्रा निकाली। झारखंड सरकार की अगर अभी भी नींद नहीं चेती और खरसावां विधानसभा से सौतेला व्यवहार किया गया तो आने वाले दिनों में हम लोग, अभी तो सिर्फ हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कुछ कार्यकर्ता के साथ सोशल डिस्टेंस बनाते हुए आज हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह का सौतेला व्यवहार किया गया तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मूक दर्शक बैठ के नहीं रह सकेंगे। पूरे देश में कोरोना का तीसरी लहर को लेकर अस्पतालों का निर्माण कराया जा रहा है, व्यवस्था की जा रही है, लेकिन उसी वहीं पर झारखंड सरकार के द्वारा खरसावां विधानसभा में जो अस्पताल चल रहे थे उन्हें बंद कर दिया गया। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।